हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अब कैसे आप सब लोग, एक बार फिर से अज डिग्री व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज का मैं व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, मैं मेहंदी आर्ट बनाती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे यार कितने पेज तो ये वेस्ट करती हूँ। सो गाइस, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताती हूँ आज। ये है एक ब्लैंक पेज जिसमें मैंने लेमिनेट किया है, और आप इस पर कोई भी मेहंदी से आर्ट कर सकते हो, मिटा सकते हो, इसमें कोई निशान नहीं पड़ेगा, आपके पेज वेस्ट भी नहीं होंगे। एक ही पेज बहुत टाइम तक चलेगा, पता नहीं कितने टाइम तक चलेगा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। सो गाइस, इसी पे मैं अपनी मेहंदी आर्ट करती हूँ, और आज मैं अपनी बहन को मेहंदी सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे धूप सेक रही है मैं, जैसे ले क्या बनाना है तुझे। वैसे बनाएगी तो कोई डिजाइन नहीं, जो मैं बोलूंगी तुझे। इतनी आवाज करता है ये स्कूटी वाला। सो गाइस, तो सबसे पहले अगर आपको मेहंदी सीखनी है तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी, पहले आप कोन पकड़ना सीखिए। कैसे पकड़ सकते आप कोन, ये देखो ये देखो, ऐसे पकड़ते कोन, ऐसे नहीं पकड़ना है मैडम। जो ये चीज रहती है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो ये रहता है अंगूठा, और जो ये वाली उंगली रहती है ये ऐसे रहती है, तब हम कोई डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन सबका अपना अपना गत है, कोई ऐसे करता है कोई कैसे। पर आप देखिए, आप पीछे से मेहंदी पकड़ रहे हैं, आगे से पकड़ना है थोड़े। ऐसे में कौन बनाएगा भाई मेहंदी, ट्राई करना पड़ेगा। पर कोई नहीं, आपको जैसे गत लगता है पहले आप वैसे ही स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। मैं 2 मिनट के लिए अंदर के गई तो नहीं, इतनी बड़ी लाइन खींच ली कैसे कीजिए मेहंदी से। हाथ से अपनी टेक्निक है, आप पूरा फीटा नाप लीजिए, फीटे से नाप लीजिए पूरा। अच्छा, तो मैंने आपको, अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपने इतनी लंबी लाइन खींची है ना, तो सही खींची है, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन आपको यही लाइन पेज को नहीं घुमाना है, पेज ऐसा ही रहेगा। आप पेज को इधर नहीं कर सकते, उधर नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले अपने कंफर्ट में बैठ जाइए, आपको कैसे बैठना है, ठीक है। तो आपको लाइन यहाँ से यहाँ तक बनानी है, छोटी लाइन, बिल्कुल छोटी, इतनी लंबी नहीं, यहाँ से यहाँ तक बस 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 बस। अब तीसरी लाइन, गुड, वेरी गुड, चलो खींचिए और करो, खींचो, हो गई आपकी एक लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो अब हम इसी लाइन में क्या बनाएंगे, हम्स बनाएंगे, इसे बोलते हैं हम्स। ये गीला हो रखा था ना, तो चिपक रहा है हाथ में। सो गाइज, ये है स्पाइरल, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ सबके स्पाइरल बोलते हैं इसे। ये स्पाइरल बना रही है, अब ये लाइन हो गई, ये हम्स हो गया, ये स्पाइरल हो गया। पहले ये 3 बेसिक चीज़ें जो सीखनी पड़ती है। दिन भर बहुत काम करता है, मशीनों में घुसा रहता है। आप इसके हाथ में मेहंदी बनाऊंगी, भले इसकी शादी हो चुकी है, फिर भी इसने कहा कि तुम ही बनाना मेहंदी। अभी मैं मेहंदी सीख ही रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ही बनाऊंगी। भैया आपके काम करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप, आपका कंप्यूटर खराब हो, सीपीयू जो भी हो, मशीन कोई भी खराब हो, आप कॉन्टेक्ट करे। मैं नहीं करती कुछ, ब्लॉग में कट, मैं सब डाल देती हूँ।
किसी की भी मशीन खराब हो जाए इनसे कांटेक्ट करना। हाँ बिल्कुल। मेहनत लगानी आपको भी, देख लो इसके डिजाइन देखो यहाँ उनका रिएक्शन। हेलो गाइस, गाइस 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 जी ओ वाई एस बल। अरे तो मैं मेरा बेयर के बोला जी यू वाई एस जी ओ वाई एस गाइस। हेलो गाइस। सो गाइस इसको हम ऐसे मिटा देंगे, इसमें कोई भी निशान नहीं पड़ेगा, पूरा मिटा देंगे। अब हम इसमें दूसरा डिजाइन बना सकते हैं, इसको अच्छे से साफ करना है। ये देखो ये पूरा साफ हो चुका है, बिल्कुल साफ। इसमें हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे। सो गाइस ये बनाया मैंने एक प्यारा सा बन, छोटा सा बिल्कुल। मेरी बहन ने कहा कि मुझे भी बनाना है, तो मैंने कहा पहले तो इतना ही बना ले, देखते मेरा ऐसा है मेरी बहन कैसे बनाती है। ओके ए ये क्या हाथों में, ओह माय गॉड। गाइस मैं आपको बता दूं, हमारे घर पे सबसे पहले मेहंदी ये लगाती थी, ये बनाया है इस मोटी ने और ये बनाया है छोटी ने। नहीं ये मैंने बनाया, ये आरती ने बनाया, ये जनी ने बनाया। सो गाइस इसमें और इसमें थोड़ा मतलब बहुत फर्क है। तो ये बनाया मैंने मेहंदी से बंच, और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी सुंदर से बंच के साथ मेरे ब्लॉग की एंडिंग होती है, और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही ब्लॉग मैं आपके लिए लेके आऊँगी अगली बार। तो ये बनाए बाय, लाइक और सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को बाय, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत।